हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्च अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आज अपने बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो DSSB के अंदर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट जो भर्ती है 2021 के अंदर होने वाली थी उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन किसके माध्यम से निकला है? ये निकला है नोटिफिकेशन DSSB की ओर से, और कितनी तारीख को निकला है? कल की ही तारीख में निकला है, 7/10/2021 को, ठीक है। और ये किसके रिलेटेड है? DSSB के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट थी, जो आज से 2 या 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर कितनी पोस्ट थी? 4000+ पोस्ट थी ना जो सेक्शन हुई थी उसके रिलेटेड, जो RR रूल एंड रेगुलेशन चेंज हुए थे ना, उस भर्ती को होना था इसी 2021 के अंदर, उसके रिलेटेड ये वीडियो है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा जो नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या DSSB के अंदर जॉब का सपना देख रहे हैं। तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके, ठीक है। ये क्या ऑफिस, ठीक है, नोटिफिकेशन है। इसके अंदर क्या कि बोला है DSSB ने कि ईच ईयर DSSB कंडक्ट करती है कम से कम 15,000 वैकेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। कौन? DSSB कंडक्ट करवाती है। किसकी? ग्रुप बी। और नर्सिंग की भर्ती किस में आती है? ग्रुप बी के अंदर आती है, और ग्रुप सी पोस्ट पर, ठीक है। तो इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जो DSSB के अंदर MCD, ठीक है, NDMC, वो क्या है? सब क्या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, सब ठीक है। और इसके अंदर क्या है, सब क्या है? ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो ऑटोनोमस बॉडी है हमारी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, परंतु जो 2020 का सेक्शन था उसके अंदर हमने कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवाया, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से और COVID-19 की वजह से 2021 के अंदर हम 2020 के अंदर हमने एग्ज़ाम नहीं करवा पाए, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर और अदर जितने भी लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट या अदर की जितनी भी वैकेंसी थी उनके एग्ज़ाम होने थे 2000, ठीक है। परंतु उन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग दिस ईयर 2021 DSSB स्ट्राइव टू क्लियर द हग है ना रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन स्टाफ शॉर्टिंग। स्टाफ क्या है, देखो लिख रखा है इन्होंने, शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा स्टाफ शॉर्टेज है DSSB के अंदर। आपको भी पता है कि पीछे COVID-19 में कितनी न्यूज़ आई थी कि LNGP RML हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ नहीं है, वहाँ पे पेशेंट कितने ज़्यादा बढ़ गए, वहाँ पे बेड नहीं मिल रहे, इसलिए 4000+ वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। उसके अंदर मैं पूरा नोटिफिकेशन बताऊँगा किसका, स्टाफ नर्स का भी, ठीक है। और उन्होंने साथ में क्या लिखा है, इसमें लिखा है उन्होंने कि जो एग्जामिनेशन बोर्ड वगैरह है ये स्टार्टिंग जनवरी 2021, एग्ज़ाम जनवरी 2021 के अंदर स्टार्ट होना था, परंतु COVID-19 की वजह से ट्राई फर्स्ट और सेकंड का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसलिए DSSB कहती है कि 2013 से लेके 2021 तक हमारी इतनी पोस्ट सेक्शन हुई थी। देखो उन्होंने पूरा विवरण भी दे रखा है कि हमने 2013 के अंदर इतने एडवर्टाइजमेंट किए थे, ठीक है, इतनी पोस्ट थी, सब कुछ उन्होंने बता रखा है, ठीक है, और 2021 के अंदर इतना एडवर्टाइजमेंट था, ठीक है, और टोटल पोस्ट के बारे में उन्होंने बता रखा है। ये पूरा DSSB का शेड्यूल था कि हमारा एग्ज़ाम 2021 के अंदर करवाने का, परंतु ड्यू टू COVID-19 उन्होंने एग्ज़ाम नहीं करवा पाई, ठीक है। अब उन्होंने DSSB ने पूरा ये लिखा है कि हमने इतनी पोस्ट है 2013 से लेकर 2020 तक, जो नवंबर एंड 2021 तक हमारी इतनी वैकेंसी पे पोस्ट पर वैकेंसी होनी थी परंतु नहीं हो पाई, ठीक है। तो उन्होंने ये पूरा पढ़ लेना, इसमें यही चीज़ लिख रखी है कि किस तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म होगा, किस तरह से क्या होगा, ठीक है, और कब ओपन होगा। अब अपने बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है। तो इसके अंदर पॉइंट नंबर देखो आप, पॉइंट नंबर है यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर एक नंबर देखो इसके अंदर लिखा है एक्जिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, ठीक है, MCD के लिए, ठीक है, एक्जिलरी नर्स एंड मिडवाइफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए, ठीक है, और ANM की पोस्ट है, और स्टाफ नर्स की पोस्ट है, और स्टाफ नर्स ग्रेड बी की पोस्ट है, ठीक है। ये इतनी पोस्ट किसकी है? नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट कितनी थी? 4000+ पोस्ट थी, जो आप हमारा पीछे वाला वीडियो देख लो उसके अंदर लिख रखा है स्पष्ट कि 4000+ पोस्ट सेक्शन हुई थी नर्सिंग ऑफिसर की। अब इसके अंदर बात कर देता हूँ कि ये एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि DSSB ने कि
आस्किंग द आइडेंटिफाई द पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एनुअल बेसिस इन द कंडक्टिंग कंबाइंड एग्जाम। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी पोस्ट है इसके अंदर जिस तरह से एसएससी या जिस तरह से एग्जाम करवाती है उस तरह से हम कंबाइंड एग्जाम करवाएंगे और इसकी अपडेट OARS पोर्टल DSSB पर मार्किंग कैंडिडेट चॉइस के अनुसार हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। उन्होंने एक नंबर पॉइंट और लिखा है, देखो इसके अंदर लिखा है कि अपलोडिंग अपडेट वैकेंसी पोजीशन ऑन द DSSB वेबसाइट पोर्टल, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ है, सारी डिटेल हम सुन यानी बहुत ही जल्दी मान के चलो दिसंबर 2021 से पहले पहले ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। दिसंबर 2021 से पहले पहले क्या आ जाएगा सर, ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा किसका, नर्सिंग ऑफिसर का। और ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगा, DSSB वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। अब बात करता हूँ कि एग्ज़ाम कब होगा, तो इन्होंने लिखा है कि एग्ज़ाम लिखा होगा जब दिसंबर 2021 के अंदर आ जाएगा, तो एग्ज़ाम होगा इन द ईयर 2022 के अंदर, इसके अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा किसका, DSSB का, ठीक है। और अब बात करता हूँ कि सर इसके अंदर कितनी पोस्ट रहेगी, तो मान के चलो मेरे दोस्त इसके अंदर 4000 प्लस वैकेंसी आएगी किसकी, नर्सिंग ऑफिसर की। अब इसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस आपको भी पता है फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर सिलेबस 20 नंबर की आएगी हिंदी, 20 नंबर की क्या आएगी सर, हिंदी आएगी, और 20 नंबर की आएगी इंग्लिश आएगी किस में, DSSB के अंदर। इसकी प्रिपरेशन आपको अभी से ही करनी होगी, ठीक है। और क्या आएगी, 20 नंबर का आएगा GK, 20 नंबर का आएगा GK करंट और ओल्ड दोनों, करंट और ओल्ड दोनों GK आएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा, 20 नंबर की आएगी मैथ प्लस 20 नंबर की आएगी रीजनिंग, ये आएगा टोटल 100 नंबर का, टोटल 100 नंबर का आएगा नॉन नर्सिंग, 100 नंबर का क्या आएगा, नॉन नर्सिंग सिलेबस आएगा, नॉन नर्सिंग सिलेबस आएगा, ठीक है। और 100 नंबर का क्या आएगा, नर्सिंग का सिलेबस आएगा, ठीक है। नर्सिंग का सिलेबस बहुत ही इजी आता है, बहुत ही इजी आता है, ये बात आपको याद रखना। अब बात करता हूँ कि पिछली बार मेरिट क्या रही थी, देखो मेरे दोस्त पिछली बार पोस्ट थी 700, पिछली बार पोस्ट कितनी थी, 700 पोस्ट थी, और इस 700 पोस्ट के अंदर OBC की मेरिट गई थी, यानी कि OBC जो ओनली दिल्ली गवर्नमेंट के हैं ना, वो ही OBC के अंडर आते हैं, तो दिल्ली के जितने भी थे उसके मेरिट गई थी 100 गई थी, और जो दिल्ली के से बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं OBC वाले, वो सब किस में जाएंगे, वो सब जाएंगे जनरल कैटेगरी के अंदर जाएंगे, और जनरल की मेरिट गई थी कितनी, 122 मेरिट गई थी किस में, DSSB के अंदर। और जो भी कैंडिडेट SC ST, जो भी कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं वो सब किस में जाएंगे, सेम ही कैटेगरी रिजर्वेशन में जाएंगे, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में हो, चाहे वो स्टेट अदर कोई भी गवर्नमेंट के अंडर में हो, वो सेम कास्ट के अंदर जाएंगे। परंतु OBC वाले कैंडिडेट किस में जाएंगे, जनरल कैटेगरी के अंदर जाएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्त वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, दिसंबर 2021 से पहले पहले ये वैकेंसी आ जाएगी, 4000 प्लस पोस्ट आएगी, किसकी आएगी, DSSB की आएगी। इसलिए तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन किसका है सर, कल का ही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।